टीवी सीरियल्स में किसी भी जमे जमाए कैरेक्टर को रिप्लेस कर देना आम बात हो गई है। हालांकि कई बार लोग शो के किरदारों से इतने गहरे तक जुड़ जाते हैं कि अगर उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए तो वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे ज्यादातर ऐसा तब होता है जब शो के मेकर से एक्टर या एक्ट्रेस की अनबन हो जाती है। लेकिन आईपीके के एंडी को लेकर तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सनाया की किसी से भी अनबन नहीं थी, फिर भी शो के मेकर्स ने आईपीके के एंडी के सीक्वल से सनाया को बाहर कर दिया और शिवानी तोमर की एंट्री करवा ली। इस फैसले के बाद शो का हाल तो किसी से छिपा नहीं है। वैसे टीवी के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी सीरियल्स के मेकर इस तरीके की गलतियां कर चुके हैं जिसका खामियाजा या तो सीरियल को बंद कर दिया गया या फिर सीरियल टीआरपी चार्ट से बिल्कुल बाहर हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाभी जी घर पर है की अंगूरी भाभी, जिसे शिल्पा शिंदे ने भाभी जी सीरियल को घर घर में पहचान दिलाई। मेकर्स ने थोड़ी सी अनबन के बाद शिल्पा शिंदे को बाहर कर दिया और शिल्पा की जगह शुभांगी अत्रे को ले लिया, मगर नतीजा सबके सामने है, भाभी जी के दर्शक अब आधे से भी कम हो गए हैं। इसी तरह ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नक्श को बाहर करना भी बड़ी गलती साबित हुई। रोहन मेहरा की जगह ऋषि देव को ले लिया गया मगर वो शो में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे। ये रिश्ता में ही करण मेहरा यानी नैतिक की जगह विशाल सिंह उतना दर्शकों को लुभा नहीं पाए। क्या आपको याद है आमना शरीफ फेम कहीं तो होगा सीरियल में भी राजीव खंडेलवाल को रिप्लेस किया गया था और गुरप्रीत सिंह को लाया गया था, मगर उसके बाद सीरियल का क्या हश्र हुआ ये तो मेकर शायद याद भी नहीं करना चाहेंगे। इसी तरह सीरियल कबूल है में करण सिंह ग्रोवर की जगह राकेश वशिष्ठ की एंट्री भी काफी महंगी पड़ी थी। वहीं जी टीवी के सबसे पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता में भी सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद सीरियल बुरी तरह पिट गया। हितेन तेजवानी सीरियल को कामयाब कराने में पूरी तरह फेल साबित हुए और लगता है कि अब सेम गलती आईपीके के एनडी के मेकर्स भी दोहरा रहे हैं। सनाया ईरानी की जगह शिवानी तोमर को दर्शकों का प्यार दूर दूर तक मिलता नजर नहीं आ रहा। मिलम न्यूज रिपोर्ट।